स्टूडेंट्स टू आईआईटीएम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम है चैप्टर का। तो यहां पर जो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या बोल रहा है, हमें डिग्री मेजरमेंट से हमें कहां पे जाना है, रेडियन मेजरमेंट निकालना है। दैट मींस जो एंगल हमको डिग्री में दे रखा है उसकी वैल्यू हमें किस में बतानी है, रेडियन में हमको यहां पर बतानी है। तो देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है और देखिए इसको करने की जो अप्रोच होती है आप इसे बहुत शॉर्टकट में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे सामने प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो अगर ज्यादा मार्क्स में आती हैं तो फिर आपको क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा डिटेल आपको देना पड़ता है उसमें कि आप ये चीज कैसे ला रहे हैं, आपने क्या इसमें स्ट्रेटेजी यूज की है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें क्या करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। नहीं तो अगर डिग्री में एंगल दिया है और आपको अगर उस सिंपल अगर उसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल होता है, इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो एक डिग्री एंगल और एक रेडियन एंगल में जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसमें इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा 25 डिग्री ये तो हमको निकालना है, लेकिन बट हम लोग एक रिलेशन ये जानते हैं, सिंस आपका 180 डिग्री जो आपका एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। सो आपका जो 1 डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें 25 डिग्री निकालना है, तो 25 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25। ठीक है, और ये हमारा रेडियन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15, फिर 6 टाइम्स जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 36 रेडियन आ गया। ठीक है, बट अगर आपको ये क्वेश्चन ओनली 1 मार्क में आता है तो फिर आपको ये इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डिग्री से आपको रेडियन में जाना है तो ये आप क्या करिए, भाई पाई अपॉन 180 होता है और किसको चेंज करना है, आपको 25 को चेंज करना है, तो ये आप सीधा 25 से मल्टीप्लाई करिए और ये 5 और ये आपका 36 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका 5 पाई बाई 36 हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है जिससे हम किसी भी एंगल को हम डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी होती है कि देखिए जब हमारा डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन होता है तब हम क्या करेंगे कि जो चीज हमको चाहिए हम उसे क्या कहां रखेंगे, वो RHS साइड में रखेंगे, और जो चीज पता होगी वो उसको हम क्या करेंगे, LHS की साइड में रखेंगे। तो जैसे हमको क्या चाहिए, हमें यहां पर डिग्री से रेडियन में चाहिए था, डिग्री में एंगल जो गिवन है उसको रेडियन में चाहिए, तो देखिए इसलिए जो हमें रेडियन में चाहिए था तो वो हमारा जो आंसर आया है वो कहां पर आया है, वो RHS की साइड में आया है। तो जो चीज हमको चाहिए होगी उसे हम RHS में रखेंगे और जो चीज दी होगी उसे हम LHS में रखेंगे। लेट सपोज अगर आपका अगला जो प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है कि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम जो तो उस केस में जो हम रिलेशन यूज करेंगे उस केस में हम रिलेशन यूज करेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसके बाद हमें कोई भी एंगल अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है,
दो चीजें हैं, दो आपके सामने मतलब ऐसी चुनौती हैं जो कि पिछले पिछले पार्ट में नहीं थी। तो देखिए, एक तो यहां पर माइनस लगा हुआ है और दूसरा यहां पर क्या है कि अब ये 47 डिग्री 30 मिनट है। अब हमें क्या करना है, मिनट की भी कैलकुलेशन करनी है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक काम है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम है तो काम को तो करना ही है, तो आइए इसको भी करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका नेगेटिव साइन हटा करके इसको सॉल्व करेंगे और जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसमें नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, लेट्स टेक 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो देखिए 47 डिग्री 30 मिनट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिखेंगे, यस और नो, यही लिखेंगे इसको। तो आप देखिए यहां पर क्या है कि भाई ये 47 डिग्री है और ये 30 मिनट है, तो भैया ये तो नहीं ऐड हो पाएगा क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अलग अलग क्वांटिटीज कभी भी ऐड नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिनट दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो सिंस 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री, 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम 60 मिनट है तो इसको हम 1 मिनट यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए, हमको चाहिए 30 मिनट, तो 30 मिनट जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 30/60 और ये आपका किसमें, डिग्री में, ठीक है। अब इसको आपकी इच्छा है, आप इस काम को रफ में भी कर सकते हो और आप इस काम को चाहो तो फेयर में भी कर सकते हो। मतलब आप क्या करिए कि यहां पर आप एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स बना करके ये सारी चीजें कर दीजिए, ठीक है। मुझे इस थोड़ा इंस्ट्रक्शन बॉक्स को बड़ा कर देना चाहिए, तो अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। तो अब देखिए ये आपका कितना हो गया, 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 47 एट 1/2 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको 47.5 डिग्री लेकर के भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो अब वही चीज है कि इसको भैया कन्वर्ट करना है हमें किसमें, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस यूज करेंगे, सिंस आपका क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 95/2 डिग्री, 95/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या कितना चाहिए, हमें 95/2 चाहिए, 95/2 डिग्री चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 95/2 और ये आपका क्या है, रेडियन। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 19 टाइम्स जाएगा, ये आपका 36 टाइम्स जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 19π/72 रेडियन। बस ये आपका आंसर। यहां पर एक बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये आपका 95/2 डिग्री, ये जो आपकी वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव एंगल की वैल्यू आई है, हमें चाहिए नेगेटिव एंगल की। तो ये हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी मिली थी, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू हमको मिली थी, तो ये आपका हो जाएगा -19π/72 रेडियन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो
ये हमारा है 240 डिग्री. सिंस 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन. अब हमें कितना चाहिए, 240 डिग्री, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 240 रेडियन. सो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा. अब 6 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स जाएगा और ये आपका 4 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 रेडियन. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वही करना है, कुछ नया नहीं है. सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. ये क्या है भाई, ये है हमारा 520 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई अपॉन 180 इंटू 520. तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा 0 0 कट जाएगा और ये आपका 26, 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 26 और ये आपका 9. ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29 पाई अपॉन 9 रेडियन. इसको नोट कर लीजिए. यहां इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो ये आपका 26 टाइम्स जाएगा, तो 26 टाइम्स जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 26 पाई अपॉन 9. ठीक है, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन.